7/11/2021 को एक प्रत्याश दौरा हत्याकांड कोतवाली इलाके में हुआ, जिसमें लाखन दिलावर व उनके सहयोगियों ने मिलकर सुरेंद्र व सचिन नाम के बाप बेटों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सनसनीखेज मामला था, बहुत ही हृदय विदारक था, जिस पर श्रीमान आईजी साहब के निर्देशानुसार एक टीम गठित की जाकर एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर वंदिता जी राणा, सीओ सिटी सतीश वर्मा, सीओ रूरल ब्रजेश जी, 3-4 एसएचओज, एसएचओ कोतवाली, एसएचओ उद्योगनगर, एसएचओ मथुरा गेट, एसएचओ सेवर व साइबर टीम, इन सबको मिलाकर जॉइंट में एक ऑपरेशन अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग देते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए गए, जिसमें एक आरोपी दिलावर खुद के गोली लगी होने की वजह से हॉस्पिटल में जहर इलाज था, जिसको इलाज के बाद डिस्चार्ज होने के बाद हिरासत में लिया गया। वह कड़ाई से पूछताछ की गई, वे अन्य उनकी जो भी संबंध थे, ठिकाने थे, उनके बारे में मालूमात किया गया। जिस पर अलग अलग टीम भेजी गई, साइबर टीम को एक्टिवेट किया गया, जिस पर प्रातः सुबह मथुरा गेट व अपने उद्योग नगर व दोनों डिप्टी एसपी साहिबान को सुराग मिला, जिस पर 38 का फाटक बोलते हैं, 38 नंबर फाटक के आसपास कहीं से सूचना थी मुखबिर की, मुख्य आरोपी लाखन शर्मा, जिसने ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया था, उसको जो है गिरफ्तार किया गया। वह आगे इस घटना में उसके साथ कौन कौन रहे, क्या कारण रहा, क्या उसका मोटिव रहा, ये सारा उसे ज्ञात किया जाएगा। उसको मैं हथियार के गिरफ्तार किया है, अब ये देखा जाएगा कि ये वही हथियार है जो हत्या में प्रयुक्त हुआ था या कोई अन्य है, वह एफएसएल से जांच करवाई जाएगी। वह अन्य जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को एक पुनः सीन रिक्रिएट कर देखा जाएगा कि किस तरह इस जघन्य हत्याकांड को उसने अंजाम दिया, वह उसके साथ किन किन की भूमिका रही, जो अन्य आरोपी मोंटू लाला व जो 5-6 और अन्य नामजद हैं, उन सब की तलाश पुलिस कर रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।